हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के इस वीडियो में हम जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संबंध में क्या विचार दिए हैं उस पर चर्चा करेंगे। जेएस मिल के चिंतन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है उनकी स्वतंत्रता की अवधारणा। वैसे तो हम मिल को उपयोगितावादी विचारक मानते हैं। वह उपयोगितावाद का अंतिम और व्यक्तिवाद का प्रथम विचारक था, अर्थात वह व्यक्तिवादी था। उसका जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था। उसका मानना था कि व्यक्ति हमेशा सुख चाहता है और उसे पाने के लिए वह लगातार प्रयत्नशील रहता है। मिल का मानना था कि सामाजिक व राजनीतिक प्रगति के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र होना आवश्यक है। उसका स्वतंत्रता संबंधी विचार उसके ग्रंथ ऑन लिबर्टी में मिलते हैं। यह ग्रंथ मिल ने स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा था। जॉन स्टुअर्ट मिल वाज लास्ट थिंकर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड द फर्स्ट थिंकर ऑफ इंडिविजुअलिज्म, दैट इज ही वाज एन इंडिविजुअलिस्ट। ही वाज बॉर्न ऑन 20 मई 1806 इन लंदन। ही बिलीव दैट द पर्सन ऑलवेज वॉन्ट्स हैप्पीनेस एंड इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गेट इट। मिल बिलीव दैट सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस रिक्वायर्ड एंड इंडिविजुअल टू बी इंडिपेंडेंट। मिल्स आइडियाज ऑफ लिबर्टी आर फाउंड इन हिज ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी। मिल रोट दिस बुक इन सपोर्ट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी के अलावा भी उसके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, जैसे कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यूटिलिटेरियनिज्म, थ्री एसेज ऑन रिलीजन एटसेट्रा। मिल ने स्वतंत्रता के संबंध में क्या कहा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। उसने स्वतंत्रता का विचार अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में दिया था। स्वतंत्रता के बारे में उसने कहा, मानव जाति अपने किसी सदस्य की स्वतंत्रता में सामूहिक या वैयक्तिक रूप से सिर्फ एक ही आधार पर हस्तक्षेप कर सकती है और वह है आत्मरक्षा। सभ्य समाज में किसी सदस्य की इच्छा के विरुद्ध शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग केवल इसी उद्देश्य से हो सकता है कि उसे दूसरों को हानि पहुंचाने से रोका जाए। उसका अपना भौतिक या नैतिक हित हस्तक्षेप का औचित्यपूर्ण कारण नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने या न करने के लिए विवश करना इस आधार पर उचित नहीं माना जा सकता कि ऐसा करना उसके हित में होगा या ऐसा करने से उसके सुख में वृद्धि होगी या ऐसा करना सही और बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। समाज मनुष्य आचरण के केवल उसी भाग को नियंत्रित करने का अधिकारी है जो दूसरे व्यक्तियों से संबंधित है। आचरण का जो भाग स्वयं उससे संबंधित है उसमें उसकी स्वतंत्रता अधिकारतः निरपेक्ष है। अपने आप पर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। इन हिज ट्रीटीज ऑन लिबर्टी ही एक्सप्लेन्ड लिबर्टी एज सेइंग दैट द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली आर कलेक्टिवली इन इंटरफियरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ एनी ऑफ देयर मेंबर्स इज सेल्फ प्रोटेक्शन। द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर्स ऑफ सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। हिज ओन गुड either physical or moral is not a sufficient warrant over himself. Over his own body and mind, the individual is sovereign.
इस प्रकार मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता को दो भागों में विभाजित कर देता है, एक तो है स्वयं से संबंधित कार्य और दूसरा दूसरों से संबंधित कार्य। और यह प्रतिपादित करता है कि जहाँ तक व्यक्ति के स्वयं से संबंधित कार्यों का प्रश्न है, उन्हें उसे अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करने का अधिकार है, लेकिन जो कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए राज्य और समाज द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है या राज्य या समाज द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। In this way, mill divides the freedom of the person into two parts, self-related work and work related to others. And purpose that, as far as a person's self-related work is concerned, he has the right to conduct it according to his will, but to control the actions which affects others. Necessary intervention can be done by the state and society. मिल ने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एंड सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ एक्शन, कार्य करने की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे। मिल का मानना है कि मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं को मिल सम्मिलित करते हैं, जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि। मिल का मानना है कि इन क्षेत्रों में व्यक्ति को अपने ढंग से कार्य करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, चाहे वह ढंग समाज के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। उसका कथन है कि यदि एक व्यक्ति के अतिरिक्त संपूर्ण मानव जाति का एक ही मत हो जाए, तब भी मानव जाति को उसे जबरदस्ती चुप करने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार यदि उसके पास शक्ति होती तो उसे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं होता। अर्थात यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो और यदि एक व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो, तो भी उस व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। मिल हैज सपोर्टेड द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। मिल निम्नलिखित तर्कों के आधार पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जो कि इस प्रकार से है। इसमें पहला है सत्य के दमन का भय, फियर ऑफ सप्रेसिंग ट्रूथ। मिल कहता है कि विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है सत्य पर प्रतिबंध लगाना, और सत्य पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है समाज की उपयोगिता का दमन करना। वस्तुतः प्रत्येक विचार या मत में मिल का मानना है कि सत्य का अंश विद्यमान रहता है। दूसरा जो तर्क दिया है मिल ने, वह है सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। There are different aspect of truth। सत्य के पूर्ण एवं वास्तविक रूप को समझने के लिए उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझना आवश्यक है, और इसके लिए व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तीसरा जो तर्क है वह है डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ बाय डिबेट एंड डिस्कशन, वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा सत्य की खोज। वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है, ऐसा मिल मानता है। विचार विमर्श, तर्क वितर्क एवं वाद विवाद से विचार स्पष्ट होते हैं एवं सत्य की झलक मिलती है। नेक्स्ट है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, समाज के उत्थान के लिए। मिल का मानना है कि सामान्यतः समाज परंपरावादी एवं रूढ़िवादी होता है। वह नए विचारों को सुनना पसंद नहीं करता,
जबकि समाज सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाजों, परंपराओं को बदल देना चाहते हैं। यह परिवर्तन विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही संभव है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल इथिकल कैरेक्टर, उच्च स्तर के नैतिक चरित्र का विकास। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उच्च स्तर के नैतिक चरित्र का विकास एवं जन्म होता है। सार्वजनिक प्रश्नों पर उन्मुक्त चर्चा होने से एवं राजनीतिक निर्णयों में जन समुदाय का हाथ होने से लोगों में उनके प्रति नैतिक विश्वास की भावना जागृत होती है। इतिहास भी स्वतंत्रता के पक्ष में अपना समर्थन प्रदान करता है। मिल, सुकरात, ईसा मसीह और मार्टिन लूथर का उदाहरण देकर अपने तर्क की पुष्टि करता है। मिल ने कहा है कि मानव जाति को बार बार यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी जमाने में यूनान में सुकरात नाम का एक व्यक्ति हुआ था जिसके विचार समाज में अधिकांश व्यक्तियों के विचारों से भिन्न थे, और समाज के ठेकेदारों ने सुकरात को उसके भिन्न विचारों के कारण ही विस्पान कराया था। जबकि सच्चाई यह है कि उन व्यक्तियों के विचार गलत और सुकरात के विचार सही थे। मिल ने कहा कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का एक विलक्षण दोष यह है कि ऐसा करना मानव जाति की आने वाली तथा वर्तमान नस्लों को लूटना है। कई बार ऐसा होता है कि समाज कुछ विलक्षण विचार रखने वाले मनुष्यों को झक्की या सनकी समझती है और उसके विचारों का अपमान करती है, तिरस्कार करती है। जबकि सत्य यह है कि हर मौलिक चिंतक, समाज सुधारक पहले जो नई बात कहता है उसे सुनकर समाज चौंकता है। हर चिंतक एवं समाज सुधारक को पहले सनकी एवं झक्की समझा जाता है, परंतु सत्य यह है कि इन्हीं सनकियों एवं झक्कियों ने मानव जाति के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए मिल सनकियों को भी उनके विचार व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अब हम दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता की बात करेंगे, जिसको कि कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्शन, कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल इस प्रकार की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है। फर्स्ट इज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, स्व संबंधी कार्य, एंड सेकेंड इज अदर रिगार्डिंग एक्शंस, दूसरों से संबंधित कार्य, या स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। इसमें सबसे पहले हम स्व संबंधी कार्य की बात करेंगे। ऐसे कार्य जिनका संबंध व्यक्ति के स्व के साथ होता है उन्हें स्व संबंधी कार्य कहते हैं, अर्थात वे कार्य जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। इन कार्यों का संबंध व्यक्ति के नितांत वैयक्तिक कार्यों से होता है, जैसे सिगरेट पीना, पान खाना, कपड़े पहनना, शराब पीना, जुआ खेलना आदि। मिल कहता है कि इस प्रकार के कार्यों को करने में व्यक्ति पर समाज को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ऐसा होने से ही व्यक्ति अपनी नैसर्गिक क्षमता का सर्वोच्च विकास कर सकता है और अपने सुख और कल्याण में अभिवृद्धि कर सकता है। अब हम बात करेंगे पर संबंधी कार्य, अदर रिगार्डिंग एक्शन की। पर संबंधी कार्य वह है जिसका कि प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है, अर्थात व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे समाज तथा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, और ऐसे कार्यों में राज द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शांति भंग करना, चोरी करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना आदि ऐसे कार्य हैं जिनका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। एक व्यक्ति को अपने घर में शराब पीने की स्वतंत्रता है, किंतु यदि वह शराब पी के सड़क पर हुड़दंग मचाता है और पड़ोसियों की नींद हराम करता है
तो इसे इस कार्य के लिए खुली छूट नहीं दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के आधार की। मिल ने स्वतंत्रता के आधार के बारे में बताया है जो निम्नलिखित है। फर्स्ट इज कैरेक्टर बिल्डिंग बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव द्वारा चरित्र निर्माण। सेकेंड इज द स्टेट शुड आल्सो नॉट फोर्स ए पर्सन टू फॉलो ट्रेडिशंस। द स्टेट शुड आल्सो नॉट फोर्स ए पर्सन टू फॉलो ट्रेडिशंस। राज्य को व्यक्ति को परंपराओं को मानने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुसंधान और आविष्कार की पर्याय है। पर्सनल लिबर्टी इज सिनोनिम ऑफ रिसर्च एंड इन्वेंशंस। अब हम बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा सकता है या उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो पहली सीमा जो मिल ने बताई है वह है इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंडेंजरिंग द लिबर्टी ऑफ अदर पर्संस बाय मिसयूज ऑफ द लिबर्टी ऑफ द पर्सन। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने की संभावना हो। दूसरा है अकॉर्डिंग टू मिल सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी आर द स्टेट इज इन क्राइसिस एंड देन द लिबर्टी ऑफ द पर्सन कैन बी लिमिटेड। मिल के अनुसार जब समाज अथवा राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप राज्य पर बाह्य आक्रमण के समय सभी नागरिकों से अनिवार्य सैनिक सेवा की आशा की जा सकती है। थर्ड इज द थर्ड सिचुएशन इज व्हेन देयर इज ए मिसयूज ऑफ हिज लिबर्टी बाय ए पर्सन व्हिच इज लाइकली टू इनहिबिट हिज सोशल ड्यूटी। तीसरी परिस्थिति वह है जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग हो जिससे उसके सामाजिक कर्तव्य के पालन में रुकावट आने की संभावना हो। फोर्थ एंड लास्ट इंडिविजुअल एक्ट्स बाय विच ए पर्सन डज हिज फुल हार्म कैन बी प्रिवेंटेड बाय द स्टेट सच एज कमिटिंग सुसाइड। वे व्यक्तिगत कार्य जिनके द्वारा व्यक्ति अपना पूर्ण अहित करता है, इस तरीके के कार्य को राज्य के द्वारा रोका जा सकता है, जैसे आत्महत्या करना। अब हम स्वतंत्रता की आलोचना क्या की गई, स्वतंत्रता के संबंध में मिल ने क्या विचार दिए हैं, उस संबंध में क्या आलोचनाएं की गई उस पर बात करेंगे। तो पहली आलोचना है मिल का कार्य संबंधी विभाजन गलत, फॉल्स डिवीजन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन। मिल ने कार्य संबंधी जो विभाजन किया है वह गलत है। उसने कार्य संबंधी जो विभाजन किया उसमें उसने बताया है कि एक तो स्व संबंधी कार्य है, दूसरा पर संबंधी कार्य। स्व संबंधी कार्य में वह बताता है कि सिगरेट पीना, शराब पीना, ये स्व संबंधी कार्य है। लेकिन अगर व्यक्ति शराब पीकर या सिगरेट पीकर बाहर जाके हुड़दंग मचाता है और इसका इसके पत्नी पे बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो यह स्व संबंधी कार्य न होके पर संबंधी कार्य हो जाता है, क्योंकि इस उसके शराब पीने से दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये जो विभाजन किया गया है ये गलत है। दूसरी आलोचना है नेग्लेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता की उपेक्षा। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो करता है परंतु आर्थिक समानता के विषय में कुछ भी नहीं कहता। जबकि एक भूखा व्यक्ति स्वतंत्रता से न अपना पेट भर सकता है और न ही अपना तन ढक सकता है, जबकि आज आर्थिक समानता की अत्यधिक आवश्यकता है। तीसरा है अधिकारों की स्पष्ट चर्चा नहीं, नो एक्सप्लिसिट डिस्कशन ऑफ राइट्स।
प्रोफेसर बारकर मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार की आलोचना करते हुए कहते हैं कि मिल खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का ही प्रवक्ता है, अधिकारों के विषय में उसका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है जिसके द्वारा स्वतंत्रता वास्तविकता हो सकती है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है, सनकी व्यक्तियों को स्वतंत्रता देना गलत, इट इज रॉन्ग टू गिव लिबर्टी टू क्रेजी पीपल। इसकी आलोचना करते हुए डेविडसन ने कहा है, सनकीपन विकृत मस्तिष्क और चारित्रिक दुर्बलता का परिणाम है और इसलिए प्रोत्साहित करने के बजाय उसका दमन ही उचित है। नेक्स्ट है, मिल वैल्यूज माइनॉरिटी मोर देन मेजॉरिटी। मिल अल्पमत को बहुमत से अधिक महत्व देता है। जनतंत्र के संचालन के लिए यह स्थिति उचित नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्रिटिसिज्म है, मिल डज नॉट सी द पर्सन स्टेट रिलेशनशिप इन राइट कॉन्टेक्स्ट। मिल व्यक्ति राज्य संबंधों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता है। मिल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को परस्पर विरोधी समझता है जो अनुचित है। मिल की इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य एक कृत्रिम संगठन है और वह व्यक्ति के हित की सिद्धि में सहायक न होकर बाधक है। अतः व्यक्ति के मामलों में राज्य का हस्तक्षेप गलत है। मिल की राज्य संबंधी यह मान्यता उसकी स्वतंत्रता की उस धारणा पर आधारित है जिसमें वह स्वतंत्रता का तात्पर्य नियंत्रणों के अभाव से लेता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता जंगल में ही संभव है, समाज में नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।